हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शशांक बोलने का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल के एक और नए फ्रेश कमाल एपिसोड में। सो एक्चुअली अभी मैं हूँ परी चौक मेट्रो स्टेशन पे। यस, एक्वा लाइन चालू हो गई। सो आज फर्स्ट टाइम ट्रैवल करके देखते हैं कैसा लगता है, क्या रहता है। और मैं जा रहा हूँ नोएडा। एक्चुअली मुझे नोएडा सिटी सेंटर जाना, और ये मेट्रो भी नोएडा सिटी सेंटर तक ही है। बट इसका जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसका दिल्ली मेट्रो के साथ में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं। तो आप पहले नोएडा के लिए, आप नोएडा सिटी सेंटर के लिए पहले आपको टिकट लेनी पड़ी, देन आफ्टर आपको दोबारा से आगे की टिकट लेनी पड़ी। ओके, ऑल राइट गाइस। सो एक्चुअली मैं आज आई थिंक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई कि यहाँ पर पूरा पुलिस का एकदम कड़ा पहरा है, और ये बाइकर्स लोग कैमरे से तो आप लोगों को नहीं दिखेंगे बट थोड़ा दूर है। और यहाँ पर आज 26 जनवरी के उसमें तो बाइकर्स सारी की सारी अपनी बाइक राइड सारी करने वाले हैं, और बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज के एपिसोड में। एंड एक्चुअली मैं आज मेरे दोस्त का बर्थडे भी है, तो उसका बर्थडे भी मनाने जा रहा हूँ। तो नोएडा सिटी सेंटर में होगा, आई थिंक आपको आवाज़ आ रही होगी। यस, आपको आवाज़ आ रही है ना। ओके, सो फर्स्ट रिव्यू ये है कि ये डिले बहुत करती है मेट्रो, क्योंकि अभी भी मुझे 15 मिनट हो गए हैं मेट्रो स्टेशन पे आए हुए, कोई भी मेट्रो नहीं आई है। सो थोड़ा सा है रिस्की, क्योंकि अगर आप जल्दी में तो आप बस पकड़ के जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। एंड ये सेक्टर 51 तक ही जाएगी। वहाँ से अगर आपको नेक्स्ट स्टेशन जाना है, कौन सा है, नोएडा सिटी सेंटर आई थिंक, तो वहाँ पर अगर जाना तो आपको ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा, मेट्रो नहीं जाएगी। जो आई थिंक फरवरी से मेट्रो चालू होगी वो वाली जो कनेक्शन है, तो ये थोड़ी से कुछ चीज़ें सुधार करने वाली हैं इसमें। कि लाइक यार अभी बहुत लेट चल रही है, आप मुझे 15 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए, तो डोंट नो। बट आपके लिए कोई बात नहीं, मैं लेट भी पहुँच जाऊँगा दोस्त के बर्थडे पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो चलो कोई नहीं। अच्छा, तो अभी जब वापस जाऊंगा तब भी मैं मेट्रो से ही जाऊंगा। बेसिक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन कोई नहीं, व्यूज देखने के लिए फिर से। ओके गाइस, सो अभी एक्चुअली मैं यहाँ पर आया हूँ, जो मैंने आपको बताया था ना कि शूट करने के लिए आ रहे हैं, तो दोस्त के साथ में शूट है। ये है रंजेश गुप्ता, एंड आज इसका बर्थडे है, सो सभी लोग इसको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो कमेंट में नहीं बोलो, कमेंट पे बोलो, कहीं भी बोलो। तो ये आज इसका बर्थडे, और आज हम लोग एक प्रैंक इसका शूट करने के लिए आए हैं। इसके चैनल पे देख लेना, मैं आपको चैनल में लिंक दे दूंगा, अरे वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसके चैनल का, ठीक है। बाकी का बिहाइंड द सीन थोड़े बहुत देखते हैं, बाकी पूरा नहीं दिखा सकता ना, चैनल पर क्या देखूंगा। तो लेट्स गो। और ये हमारा भाई तैयार हो रहा है प्रैंक के लिए, और ये आज बनेगा लड़की। क्या बोलता है, मजा आएगा? हाय गाइस, थोड़ा दोबारा से बोल। नहीं, दोबारा बोलना, एक बार मेरा फ्रेश भी सारी भी नहीं होगी मेरी। अरे बोलना। और यहाँ पर दूसरी बंदी तैयार होते हुए, कैसा लग रहा है तुम्हें ऐसे तैयार होते हुए जिंदगी में पहली बार? अच्छा लग रहा है, चेहरा नहीं है इसका, देख। ओ शिट, खाना देख देख। ओ शिट, कैसा लग रहा है, चेहरा ही नहीं है इसका। ये कौन सा भूत आया हमारे यहाँ? शिट, ये यहाँ पर दूसरे प्रैंकस्टर का देखो रेप होता हुआ, और ये रेप हुआ और ये रेप हुआ। फक शिट, ओ माय गॉड, किसी अबला नारी की देखो आवाज दबा दी गई। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। हे गाइस, सो शूट कंप्लीट हुआ, जो प्रैंक शूट था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल जाएगा। और ये कौन है? ये चलो नहीं डालेंगे हम, ये एडिट होगा। ये हमारा जो बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड वाला बीप है कि जिसके कुछ कैरेक्टर हद नहीं है, तू सारे डालेगा ना यूट्यूब पे। और ये और ये हमारा रंजेश गुप्ता, और डायरेक्टर इधर देख ले साले हरामी, डायरेक्टर इधर देख, मांग इसको मैं डाल देता। अबे डायरेक्टर इधर देख, मैं डाल देगा हूं डायरेक्टर हरामी, देखता नहीं है, शर्माता है। चलो गाइस मिलते हैं अभी, पागल है, ठीक है। इनफैक्ट गाइस हमारी पूरी टीम पागल है। बाकी का अभी खत्म करने का, खाते हैं, भूख लगी है, आपसे खाने का टाइम, बहुत ज्यादा भूख, सुबह से भूखा हूँ, कुछ नहीं खा के आया था। एंड इन लोगों ने बड़ा दिलासा दिया, भाई अभी मंगाएंगे, चलो 6 बजा दिए हैं, चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके गाइस बाय, चलो मिलते हैं आपसे खाने के बाद।
ओके गाइस, सो आज के आई थिंक आज यार पूरा ये शूट ही हो पाया है. अभी टाइम कितना हो गया है, 6:30. टाइम 6:30 हो गया एंड आई थिंक अब यार दिल्ली जाना कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि फिर वापस भी आना है. सो यहाँ से निकल के सीधा मेट्रो पकड़ूंगा और मेट्रो पकड़ के सीधा वापस ग्रेटर नोएडा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है और ये हमारे प्रैंक्स था. सो यस कोई प्रैंक स्टार नहीं है हमारा, रोज का चुपचा करता है हमारी, कोई वीडियो सही कुछ नहीं है भाई, ऐसे है जो है. ठीक है, बाकी का चलते हैं यार. आपको वो जो मैंने आपको व्यूज नहीं दिखा पाए तो वो वाले व्यूज दिखाऊंगा, क्योंकि अब कैमरा चार्ज है, उस टाइम में कैमरा नहीं चार्ज था, तो व्यूज दिखाऊंगा क्या तोड़ व्यूज है. ओ थैंक यू भाई. और ये भाई हमारे प्रॉपर्टी डीलर, सॉरी प्रॉपर्टी डीलर, सॉरी ये जिस प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने शूट किया है वहाँ के मालिक हैं. ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है एंड नोएडा में है कहीं पे बस है. ठीक है चलो लेट्स गो. ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम हेयर एट नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन, जो कि आई थिंक जो कि कल से मेट्रो चालू हुई थी ग्रेटर नोएडा के लिए. वो भाई साहब अभी क्या टाइम हुआ, अभी आपको टाइम दिखाता हूँ. सो इट्स ओनली 7:24 एंड मेट्रो बंद कर दी गई. भाई कौन से हिसाब से कम नोटिस तो देना चाहिए था यार, कम पब्लिक रिलीज तो करनी चाहिए थी नोटिस की ऐसे ऐसे टाइमिंग पे बंद होगी. पता नहीं यार सर, अब फालतू में हम यहाँ पे आए थे, मैं सोच रहा था कि यार कम से कम एक अच्छा सा शॉट मिलेगा आप लोगों को दिखाएंगे, इन्होंने ऐसी तैसी करवा ली. सो लेट्स सी क्या करते हैं, अब तो मजबूरी है गाइस, मैं किसी और दिन दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आज तो पॉसिबल ही नहीं है. यार इतने मन से आया था कि यार कम से कम एक अच्छा शॉट मिलेगा और एक अच्छा सा आप लोगों को हम लोग एक अच्छा सा व्यू देंगे और लाइटिंग का एक अच्छा सा इफेक्ट आएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा. यार इन्होंने सालों ने पूरा मूड ख़राब कर दिया लिटरली में. ओ गॉड हाथ और दर्द कर दिया, DSLR का ये प्रॉब्लम साला हाथ दर्द करने लगता बहुत जल्दी. मिलते हैं आपसे यार, अब थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया तो अभी पहले बस पकड़ते हैं, देन आफ्टर देखता हूँ कुछ अगर अच्छा सा मिलता है तो शूट करूँगा, नहीं तो मिलते हैं आपसे रूम पर पहुँच के. इट्स 9:55 एंड जस्ट अभी पहुँचा हूँ रूम पे यार, क्योंकि लाइक मैंने बताया था ना वो यार नोएडा सेक्टर 51 वाली जो ग्रेटर नोएडा वाली जो एक्वा लाइन थी वो यार बंद थी, तो उसके चक्कर में यार पूरा हसल पैसल हो गया, यहाँ से पहले यहाँ आया फिर वहाँ गया, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, तो इसलिए बीच में कोई भी चीज़ सूट नहीं की एंड ये बड़ा मूड ख़राब हुआ था. सो इसलिए एंड 10 बजे का कोई बात नहीं यार, चलो पहुँच तो गया ना, दैट्स द पॉइंट. ये है आज का हमारा खाना, दाल और चावल. दाल यार पता नहीं यार किस चीज़ की और एकदम ठंडी हो गई है, चिल्ड. इलेक्ट्रिक केटल के अंदर अगर दाल और चावल मिक्स करके और घी देसी घी डाल के ये रखा हुआ है घी, ये डाल के और अच्छे से अगर तड़का लगाया जाए कैसा मज़ा रहेगा ना. चलो लेट्स ट्राई दिस एंड जब रूम में अकेले होते हैं तो देखो कैसी हालत होती है रूम की. और ये पूरा सामान बिखरा पड़ा है एंड इधर वाले बेड पे भी पूरा सामान बिखरा पड़ा है अभी, क्योंकि रूम पार्टनर एक भी है नहीं. मैंने ये तो ऑन ही नहीं किया, शिट. चलो अभी इसको प्रिपेयर करते हैं एंड देखते हैं कैसा बनता है, तो मिलते हैं जब इसको पहले बना लें, क्योंकि अकेला हूँ तो आपको बनाते हुए नहीं दिखा सकता ना कि उसमें डालूंगा ये सामान या फिर मैं कैमरा पकड़ूंगा. सो या चलो मिलते हैं आपसे जब ये प्रिपेयर हो जाएगा. और ये यादव सल्तनत के शेफ की तरफ से हाजिर है आपके लिए तड़का दाल चावल. और ये हमारा खाना तैयार है, बिल्कुल लाजवाब. अभी हम आपको खा करके दिखाते हैं कि हमारा खाना कैसा बना है. भाई देसी घी की खुशबू का यार कोई तोड़ नहीं है, कसम से कोई तोड़ नहीं है यार, मज़ा आ रहा है खुशबू सुन के. क्या बात है, एक नंबर भाई, एक नंबर, मतलब कोई तोड़ ही नहीं है. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. चलो गाइज, सो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही. आई होप आप लोगों को पसंद आई ये वीडियो, और अगर आप लोगों को पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना वीडियो को एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना. नीचे रेड कलर की बटन आ रही होगी तो उसको जरूर प्रेस कर लेना, चाहे उसके साथ कुछ भी करना, खाना बनाना हो उसका, उसके साथ में डेट पे जाना, जो भी करना हो उसके साथ करना, बट वो लाल नहीं रहनी चाहिए, बस वो लाल वाला हट जाना चाहिए.
सो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय सी यू लेटर.